इस लड़के से शादी करने के लिए जिगरा चाहिए जिगरा। वो जिगरा आपके पास है भाभी। बड़ा मशहूर था लड़का हमारा कॉलेज में, फटे कच्चे में लड़कों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा था, तेरे को बताया नहीं भाभी को? और डर के मारे ये गर्ल्स हॉस्टल में जाके घुस गया, वहां फंस गया, लड़कियों ने पकड़ लिया था, हाथ पैर जोड़ जोड़ के बाहर निकला था लड़का, बता ना। हॉस्टल के किस्से हमने पूरा एक दूसरे को नंगा देखा हुआ, रोज रात को मॉडलिंग करते थे छत पे हॉस्टल की, नंगे चलते टिक 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 टिक। क्या तू भी यार, अरे पर्सनल होती है यार ये सब, बचपना था वैसे भी वो। अच्छा वो बचपना था, रेखा भी तूने बचपने में सेट कर दी थी। कौन रेखा? अरे रेखा के बारे में नहीं बताया तूने भाभी को? अरे वो कुछ नहीं यार, वो जैसे कॉलेज में मिल लेते हैं एक दो बार, बस एक दो बार मिली। ना 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 झूठ मत बोल भाभी से, भाभी दिन में दो तीन बार, जब तक रेखा के दर्शन नहीं होते थे ना चैन कहाँ पड़ती थी लड़के को। फिर? अरे फिर क्या यार, फिर कुछ नहीं मानू यार। ना 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 भाई, आज मेरे को बात करने भाभी से, झूठ नहीं बोलेगा। रेखा थी रईस की औलाद है और ये किराने वाले का लौंडा, अब उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए भाई साहब जुआ खेल लगे थे, डबल मनी बता। नहीं वो मैंने इसके चक्कर में खेला था। इनकी मम्मी तो कह रही थी कि हमारे खानदान में आज तक कभी ताश के पत्ते भी नहीं आए। अभी गड्डी रख दो ताश की, बता देगा ना हुकुम कट का कहाँ है, एक सेकंड में बता देगा भाभी। तो इन्हें जुए की लत कैसे लगी? शराब और लड़की इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकती है। डेली जुआ खेलने लग गया था, 5 लाख के नीचे आ गया था ये। ओ उतर गए से पहले आपने सिर्फ और सिर्फ झूठी कहा है ना मुझसे। अरे मैंने कोई झूठ नहीं बोला यार, और जब हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों परिवार वालों की सहमति थी ना हमारी शादी के लिए। जब आपके घर वाले आपकी करतूतें हमें बताएंगे ही नहीं तो हम तो रिश्ते के लिए हाँ बोलेंगे ही ना भैया। सही बात है भाई, तो तुम्हारे माँ बाप ने भी तो तुम्हारी करतूतें नहीं बताई, उन्होंने तो ये बोला था कि मेरी बेटी को ये बनाना आता है, मेरी बेटी को वो बनाना आता है, क्या बनाना आता है तुम्हें, ये सड़े हुए समोसे? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं, किचन में जाके समोसे ही तलती रहूं पूरा दिन। अरे तुम्हारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि तुम चाय में चीनी डाल देती, फ्री की चाय पिला रही हूं मेहमान को। सुबह आपसे दूध मंगवाया था, लेके आए आप? वो भाई 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 भाई, ये पेन तो तेरे को उसने दिया था ना शालू ने, अरे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन। शालू? ए यार तूने शालू के बारे में नहीं बताया भाभी को। कौन शालू? अरे वही तेरी तीसरी सेटिंग, भाटिया की लौंडिया। आपने तो कहा था ये पेन आपको पापा जी ने कॉलेज में टॉप करने पर दिया था। अरे ये पेन मुझे पापा जी ने ही दिया था यार। मुझे क्या पता कि ये शालू वाला पेन है, ये पापा जी वाला पेन है। महाभारत करने के लिए शादी कर ली मैंने। मैं ही तो महाभारत कर रही हूँ, आपने तो जिंदगी भर बस रासलीलाएं की है, कभी रेखा कभी जया कभी शालू। भैया क्या ये अभी भी जुआ तो नहीं खेलते? अब तो कमाता है, अब कहाँ जुआ खेलता होगा। ओए जुआ तो नहीं खेलता? अरे नहीं खेलता यार मैं जुआ। अरे खूब जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को, मेरे रायबरेली वाले फूफा जी भी ना अपने जमाने के टाइम पे खूब जुआ खेलते थे, आज भी छुप छुप के खेल ही लेते हैं वो। अरे तो इनके परिवार वाले तो है ही क्रिमिनल यार, वो बताओ ना अपने चाचा के बारे में जिनपे 5-5 केस चल रहे हैं, वो बताओ। उन 5 केसेस में से ना एक केस तुम्हारी वजह से चल रहा है उन पर। भाई तेरे ऊपर केस अभी तक चल रहा है? अभी भी? हाँ हाँ मोनू एक काम कर, जो मुझ पे केस चल रहा है ना तू भाभी को बता, बता कौन सा केस चल रहा है। अरे तू अब कह रहा है तो मैं बता ही देता हूँ। भाई तू बता ना। भाभी जी क्या हुआ, इसने कॉलेज के बाद लड़की छेड़ दी। अरे यार ये क्या बता रहा है तू यार, ये वाला केस नहीं बताना भाई, जो बाइक चोरी हुई थी वो बताना। अच्छा हाँ, फिर पुलिस वाले से उठा के लेके भाभी जी, और पीछे से इसकी बाइक स्टैंड से उठ गई, वही ना यार। बताओ कैसे गलीच आदमी से मेरी शादी हो गई, कहाँ फंस गई मैं? गलीच आदमी से शादी हो गई? अरे अगर इतनी दिक्कत थी तो क्यों करी मुझसे शादी, मत करती ना। मेरी किस्मत फूटी थी जो सरकारी नौकरी वाले को छोड़कर आपसे बंध गई। हाँ जब हमारा रिश्ता तय हुआ था ना तब मैं सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था, समझी तुम? इसी झांसे में फंस के तो मैंने शादी कर ली, वरना अच्छी खासी लाल बत्ती में ठाट से घूम रही होती। शक्ल देखो, लाल बत्ती में ना कोई तुम्हें बिठाए भी ना। ये बड़े लाल साहब है, जैसे इनकी नीली बत्ती लाल बत्ती सब आंगन में खड़ी रहती है। हाँ तो अपनी मेहनत से पैसे कमाए मैंने, तुम्हारे परिवार की तरह नहीं जो खानदानी जमीन बेच के पैसे कमा के बैठ गए हैं। मेरे खानदान वाले कम से कम खानदानी रईस तो थे, तुम्हारी तरह अय्याश तो नहीं थे। ओ यश, ओ वाह वाह वाह, तुम्हारे भाई। भाइयों पर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारी बहनों के बारे में सब पता है मुझे। चलो बताओ क्या किया मेरी बहन ने, बताओ करतूते। भैया जब इनसे शादी की बात करने के लिए गए थे मेरे घर वाले, तो इनके पड़ोसियों ने बताया था कि इनकी बहन शादी से पहले भाग गई थी। भाग गई? अगर तुम्हारे कर्म कांड मैंने अपने भाइयों को बता दिया ना, तुम्हें घर से उठवा लेंगे। क्या उखाड़ लेंगे तेरे भाई मेरा है, क्या उखाड़ लेंगे, मुझे हाथ लगा के। अरे हट यार तू। अरे तू रहने दे, मेरा मुंह मत खुलवा, तूने अपनी सहेलियों के मुंह पे जो ताले कस रखे ना सब जानता हूं मैं। जब कोई बात ही नहीं है तो क्या ही बोलेंगी वो। अरे तेरे बारे में कोई कुछ बोलकर अपना मुंह गंदा ही नहीं करेगा। वाह मेरी बारे में मुंह गंदा हो गया इनका, तेरे से तो बात ही करना बेकार। तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, ब्याह के आई हूँ इस घर में, अपने हर एक सवाल का जवाब लिए बिना जाऊंगी नहीं, बच के कहाँ जाओगे तुम।
अजीब बात है भाई, पता नहीं क्यों झगड़ने लग गए। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैं तो चुप ही था। भाई भाई बंटी, भाई मैं रुकूं या जाऊं? बंटी,